नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट फेस 12 नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल वैकेंसी हैं 2049। संपूर्ण जानकारी पदों के बारे में यहाँ उपलब्ध होगी। इसी वीडियो को सुबह से अंत तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आई हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, SSC के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर फेस 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट के लिए, यहां आप देखेंगे ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 मार्च और लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की 29 मार्च। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं 22 मार्च से 24 मार्च के बीच में। यहाँ कंप्यूटर आधारित CBT का जो डेट रखी गई है 6 से 8 मई 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम। यहाँ आप देखेंगे गवर्नमेंट सर्विस हैव टू वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमन कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई। तो केवल महिला और पुरुष दोनों ही इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदक की नेशनलिटी, आवेदक इंडिया, नेपाल, भूटान या तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2024 के आधार पर पोस्ट वाइज 18 से 25 वर्ष, 18 से 27 साल, 18 से 28 साल, 18 से 30 साल, 18 से 35 साल, 18 से 37 साल, 18 से 42 साल रखी गई है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10वीं के सर्टिफिकेट ही वैलिड माने जाएंगे। SC/ST को अपर एज में 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWD को 10 साल तक की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। इन पदों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है। अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट को, SC/ST वर्ग के कैंडिडेट को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से किया जा सकता है। फीस पेमेंट केवल 19 मार्च 2024 रात के 11 बजे तक किया जा सकता है। SSC के द्वारा जारी किए गए सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आवेदक 10वीं, 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास होना चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर अपनी मनपसंद के दिए हुए एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं और अपने चॉइस के एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप भर सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट फेस 12 के लिए जो एग्जामिनेशन स्कीम होगी, इसके अंतर्गत कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जाएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल के जो डिफिकल्टी लेवल है प्रश्नों का होगा। यहाँ जनरल इंटेलिजेंस के 25 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज पर 25 प्रश्न होंगे 50-50 अंकों के। टोटल समय यहाँ एग्जाम का होगा 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर गलत उत्तर देने पर 1/2 या 0.5 मार्क्स, आधा मार्क काट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेटों को टाइपिंग, डेटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यहां आप SSC के द्वारा जारी किए गए जो सिलेक्शन पोस्ट फेस 12 है उससे संबंधित कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। मैट्रिकुलेशन लेवल का यहाँ सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से 10+2 लेवल का यानी 12th लेवल का सिलेबस यहाँ दिया गया है और ग्रेजुएशन लेवल या उससे अबव लेवल के यहाँ सिलेबस आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, SSC के द्वारा जारी किए गए सिलेक्शन पोस्ट फेस 12 नई भर्ती नोटिफिकेशन के संबंध में डिटेल जानकारी के लिए आपको विज्ञापन को जरूर पढ़ लेना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा और अप्लाई के लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2023 वाले लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ करना होगा। पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल आपको देनी है।
फिर पासवर्ड आपको बना लेना है, एडिशनल डिटेल आपको देनी है, कैंडिडेट की नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल, डिक्लेरेशन पर आपको कंफर्मेशन कर देना है। अब यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जा रही है, आधार नंबर दे देना है और जो भी जानकारी इस फॉर्म में आपसे मांगी जा रही है उसको सही सही प्रोवाइड करा देना है। इस तरह से आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे जो सारे स्टेप्स हैं वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करने हैं। इस तरह से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, उसका इस्तेमाल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल देना है, पासवर्ड जो आपने बनाया उसका इस्तेमाल करके दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन कर लेना है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, सिग्नेचर, फोटो और अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, फीस पेमेंट कर देनी है अंतिम तिथि से पहले पहले। तो इस तरह से दोस्तों SSC के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन आप 18 मार्च तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आप 19 मार्च 2024 तक पेमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं लिखकर, और साथ ही ये ज़रूर ध्यान रखें आप अंतिम तिथि से पहले पहले इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करने होंगे। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म जो भेजे जाएंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन दबा दिया होगा।